श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। पीपल के पेड़ की जड़ में बस एक चीज़ डालना है और आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये उपाय आपको करना है पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में, और आज है श्राद्ध पक्ष का शनिवार। देखो, ये उपाय पितृपक्ष के शनिवार के दिन ही किया जाता है। तो देखो, आज 7 अक्टूबर है, तो आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है, जो कि सबसे बड़ी अमावस्या होती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं कि अगर किसी भी अमावस्या पर आपने पितरों को याद ना करा हो, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों की खुद की जो अमावस्या होती है, उस दिन अगर आपने याद करा, पितरों के लिए कुछ उपाय किए, तो आपके पितृ प्रसन्न होकर के जाते हैं। क्योंकि यही दिन ऐसा होता है जब आपके पितृ पितृ धरती से पितृलोक के लिए वापस से जाते हैं। 16 दिन उनके खत्म हो जाते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के जाएं, ऐसी कामना करते हुए हम ये उपाय करते हैं। आज भी शनिवार है, आज तो आपको ये उपाय करना ही करना है। साथ ही साथ 14 को भी करेंगे, 2 दिन आपके पास बचे हैं, 7 तारीख या तो 14 तारीख। तो देखो, बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए। आज के इस पूरे वीडियो में 2 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, पीपल के पेड़ की जड़ में एक विशेष चीज डालना है और आपका पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दूसरा जो उपाय होगा वो भी बहुत खास होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, ये उपाय है बिल्कुल डिफरेंट उपाय है। ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत स्पष्ट रूप से बताए थे। तो देखो, ये उपाय करना है पीपल के पेड़ की जड़ में ही दीपक लगाना है, लेकिन किस प्रकार से 2 दीपक का प्रयोग करना है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो, तो दोनों उपाय बहुत ही खास होने वाला हैं पितरों के लिए होने वाला हैं, पितृदोष को दूर करने के लिए होने वाला हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष लगा हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और हमें हमारे पितरों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पितर हैं, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं अभी और पितृपक्ष में पितरों के कोई भी संकेत आपको अगर मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार के, शुभ हो अशुभ हो, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो उपाय है आपके घर में शांति लाएगा, ग्रह क्लेश हो रहा है तो ग्रह क्लेश को दूर करेगा, आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो दूर करेगा। देखो किस प्रकार से करना है समझना, आपको क्या करना है, तांबे का पात्र ले लेना है, ठीक है, उसके अंदर शुद्ध जल आपको भरना है, उसके अंदर काले तिल आपको डालना है। काले तिल कितने डालोगे, 11 काले तिल तो कम से कम आपको डालना है, ठीक है, 11, 21, 108 जितने आप डाल सको आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 काले तिल के दाने आपको डालना है, ठीक है। काले तिल के दाने डाल दिए और अब क्या करना है, आपको सफ़ेद फूल लेना है, कोई सा भी सफ़ेद फूल चलेगा, एक सफ़ेद फूल लेना है और ये एक सफ़ेद फूल भी जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और ये जो पात्र है आपको आपके घर में लेना है और आपके पूरे घर में आपको इसे घुमा देना है। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए ऐसी कामना करना है। पूरे घर में हर एक जगह आपको घूम जाना है, वॉशरूम और गंदे इलाकों को छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ले जाना है जल का पात्र, आपको घर के बाहर लेकर के जाना है और आपके घर के सबसे नज़दीक में पूजनीय पीपल का वृक्ष हो। देखो, पूजनीय यहाँ पर एक समझना बात को, पूजनीय क्यों बोला, देखो पीपल का पेड़ ज़रूरी नहीं है आपके घर के आसपास ऐसा पीपल का पेड़ हो जो पूजनीय नहीं है, लेकिन वो आसपास गंदगी रहती है तो आपको ऐसे वृक्ष में नहीं डालना है, समझे आप उपाय को। जो पीपल का पेड़ पूजनीय है, जहाँ पर लोग दीपक लगाते हैं, जहाँ पर लोग सूत का धागा बांधते हैं, जहाँ पर पीपल की साक्षात भगवान विष्णु के रूप में पूजा होती है, ऐसे पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है, चाहे वो मंदिर में हो चाहे आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर जाना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये सफ़ेद फूल मिश्रित जल, ये काले तिल मिश्रित जल जो है
आपको पीपल की जड़ में आपको ओम पितर देवताय नमः आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। सबसे पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रणाम करना, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन माता का वास जो है, भगवान विष्णु का वास जो है, पीपल के वृक्ष की जड़ में होता है। और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितर देवताय नमः का जाप करते हुए काले तिल अर्पित कर देना है। अंत में भगवान से प्रार्थना करना है। देखिए, यदि आपको कोई भी गलत विचार आया हो, गलत संकेत आपको अगर मिल रहे हो, तो पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं आपको दूर करना है। ठीक है, अगर आप सुख समृद्धि से भी रहती है ना, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि पितर इससे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, समझना। ये उपाय भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। स्वास्तिक वाला उपाय है, दीपक वाला उपाय है, कच्चे दूध वाला उपाय है। देखो, पीपल के पेड़ में शाम से पहले पहले, आज के दिन पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन शाम से पहले पहले, यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, सूर्यास्त के बाद किस प्रकार से करेंगे वो भी हम बताएंगे, जो कि आपको दो दीपक से करना है, समझना। पीपल के पेड़ में आज के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना, उसके ऊपर शुद्ध जल अर्पित करना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कच्चा दूध और जल अर्पित करता है, पितर प्रसन्न होते हैं, महालक्ष्मी का वास घर में होता है, क्योंकि शनिवार का दिन होता है महालक्ष्मी का। तो इस प्रकार से आपको अर्पित करना है ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, ओम पितर देवताय नमः का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखो, अब हम बात करते हैं दीपक का। देखो, दो दीपक किस प्रकार से करना है, दो दीपक किस प्रकार से लगाना है। ये दीपक आपको लगाना है सूर्यास्त के बाद, आज शनिवार की रात सूर्यास्त के बाद दो दीपक वाला ये उपाय करना है। दो दीपक आटे के बनाओगे, लंबी बाती के दीपक दो आपको तैयार कर लेना है। देखो, यहाँ पे दीपक जो है वो तिल के तेल के दीपक होने चाहिए। अब देखो, कई जगह पर तिल के दीपक नहीं होते, तिल के तेल नहीं होता है, तो आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी होना चाहिए गौ माता का। भैंस का घी नहीं चलेगा, गौ माता का ही घी होना चाहिए। और उस घी के दीपक में आपको काले तिल आपको डालना है। आ गई आपको बात समझ में। दोनों दीपक में घी भरना है, काले तिल का उपयोग करना है। अगर तिल का तेल है तो आपको काले तिल ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सूर्यास्त के बाद ये दीपक लगाएंगे तो आपको पहला दीपक, साथ में आपको लेना है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ले लेना। ठीक है, हल्दी या कुमकुम, दोनों में से एक का स्वास्तिक बनाना है आपको, जो दोनों में से जो आपको लगे आप ले लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार पे आना है। आपके घर के मुख्य द्वार की जो ज़मीन है उसको थोड़ा सा, गेट के बाहर की जो ज़मीन है उसे थोड़ा सा साफ करना है। ठीक है, पोछा ओछा लगाना, अच्छे से साफ करना। और उसके बाद क्या करना, यहाँ पर आपको हल्दी का या तो कुमकुम का आपको स्वास्तिक बनाना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, आपको बस स्वास्तिक बनाना है इस प्रकार से बताया है, तो आप हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं। ठीक है, स्वास्तिक बना दिया, ज़मीन पर बनाना है स्वास्तिक। ठीक है, और उसके बाद ये जो दीपक है जिसके अंदर लंबी बाती है, ये दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक के ऊपर ही आपको दीपक लगाना है। जब दीपक लगाओगे तब आपको पितरों के देवता आर्यमा का नाम आपको लेना है। ठीक है, इस प्रकार से दीपक लगाना। और दीपक का जो मुख होगा, देखो दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। देखो, भले आपका जो दीपक है घर के अंदर की तरफ मुख करे, भले आपका दीपक जो है घर के बाहर की तरफ मुख करे, भले आपका दीपक जो है घर के लेफ्ट साइड में मुख करे, कहीं पर भी मुख करे, लेकिन आपका जो दीपक होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख होना चाहिए दीपक का। आ गई आपको बात समझ में। पहला दीपक आपने वहाँ पर लगा लिया, दूसरा दीपक भी आपको हाथ में रखना है, और दूसरा दीपक लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, और दूसरा दीपक पीपल के वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। और ये दीपक भी आपका दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, और वहाँ पर भी ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए ये दूसरा दीपक आपको वहाँ पर रखना है। अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियाँ हैं तो वो दूर हो जाएगी, आपके घर में पितर आएंगे और आपके पितर जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगे। देखो, कहते हैं कि पितृलोक से जब पितर धरती पर आते हैं तो वो उनका जो निवास होता है वो होता है पीपल वृक्ष के वहाँ पर। तो पीपल वृक्ष के वहाँ पर दीपक लगाया और घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आपने दीपक लगाया, आपके घर पर पितर आते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाया तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ही आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर दीपक लगाएंगे। आ गई आपको बात समझ में। ऐसा नहीं कि आप घर में लॉक वॉक लगा करके फिर पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाएंगे। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति घर में रहना चाहिए, उस हिसाब से आप ये उपाय करना, उस हिसाब से आपको क्रिया करना है। घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये उपाय करना। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने दो उपाय बताए हैं।
आप दोनों उपाय कभी आप ये दोनों उपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।